नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेज बात्या प्रभाव में ओडिशार 15 जिले में प्रबल अति प्रबल बर्षि वर्षा, एथिपाई येलो वार्निंग करागला चारि। तेज पुरी, केन्द्रापड़ा, कटक, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एसबू जिला येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। से हीपरी गंजाम, जगत सिंहपुर, भद्रक, खोर्धा, बालेश्वर, जाजपुर, गजपति, ढेंकानाल, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, रायगढ़ जिलार किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। मलकानगिरी, कोरापुट, बौद्ध, अनुगुल को कलाहांडी जिलार गोटे किंवा दुईट स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा हेबार संभावनाटी अधिक रही। सेपर आसंता काली बालेश्वर एवं भद्रक जिलार गोटे किंवा दुईट स्थान में सामान्य मध्यम धरण वर्षा हेबो। परवर्ती खबर, कमिला एलपीजी गैस दर। तेज राजधानी दिल्ली में सिलिंडर पिछा 1833 टंका थिबा बेले नुआ दर लागू होगा पर 1755.50 टंका को खसी आसी। कोलकाता कमर्शियल गैस सिलिंडर पिछा 1943 टंका थिबा बेले 1885.50 टंका रे मिलुछे। मुंबई कमर्शियल सिलिंडर पिछा 1785 टंका थिबा बेले एबे ता 1728 टंका रे बिक्री करा जाउछे। परवर्ती खबर, यूजीसी पक्षर आसला नुआ गाइडलाइन, एणिकी छात्र छात्री मैंने एक वर्षीय पीजी कोर्स करें। तेज देशर शिक्षा व्यवस्था को सुधार लक्ष्य रे केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक परिवर्तन करिसंती। नुआ शिक्षा नीति एनपी 2020 अनुसार उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनेक किसी परिवर्तन देखा मिली। तेज हरिमध्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पक्षर एक नुआ गाइडलाइन जारी कर। यूजीसी मुताबक एणिकी 4 वर्षीय यूजी डिग्री नहीं छात्र छात्री मैंने 1 वर्षीय पीजी कोर्स करें बोली जनापड़े। से छात्र छात्री को कोर्स मोड बा विषय बाछबार विकल्प मिली जनापड़े। परवर्ती खबर, बंगोपसगर में सृष्टि बात्या मिधिली। तेज बंगोपसगर में सृष्टि बात्या मिधिली। ओडिशा उपर बात्यार कौन सीधासड़ख प्रभाव ना, उत्तर पूर्व दिगक घंटा प्रति 20 किलोमीटर बेगर गति करुचे। पारादीप ठार 190 और दीघा ठार 200 किलोमीटर दूर से रही बात्या। उत्तर पूर्व दिगक गति कर बांग्लादेश उपकूल छुईबोली जनापड़े। परवर्ती खबर, एम्स निकट राति खोला रहिबो आहार केन्द्र, रोगी परिवार हेबे उपकृत। तेज आज एम्स रो निकट राति खोल आहार केन्द्र। बीएमसी पक्षर यह आहार केन्द्र टी खोल। आज यार उद्घाटन करेंगे भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास। राति समय रोगी पर लोक सहाय हेबो यही आहार केन्द्र। 7 दिन जाक राति खाद्य मिल, 2 सेंटर राति 800 मिल मिली मेयर सुलोचना दास कहते। परवर्ती खबर, पुणी एक खुशी खबर, आसंता 25 तारिखर यह जिले में गड़ब लक्ष्मी बस। तेज लगातार पर्यायक्रमे गोटे पर गोटे जिला को खुशी खबर देखते राज्य सरकार। साधारण लोकों यातायात सुविधा को दृष्टि रखी प्रति गाँव में सरकारी बस पहुँचा हो। क्रम आसंता 25 तारिखर रायगढ़ जिलार लक्ष्मी बस गढ़ा नहीं सूचनाटी मिली। सूचना अनुजाई जिलार 11 ब्लक मोट 298 बस रहणी स्थल रही बेले आसंता 25 तारिख में मुख्यमंत्री द्वारा यह शुभारंभ कराकने। आज रायगढ़ जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में जिलापाल शोधा देव सिंह की अध्यक्षतार एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो। लक्ष्मी बस एवं समस्त रहणी स्थल में बस अटकवा सहित जनसाधारण यातायात संपूर्ण सहयोग कर। परवर्ती खबर, ओडिशा खणि निगम निजुक्ति, अनेक पदपाई जारी है विज्ञप्ति आरंभ, ऑनलाइन आवेदन। तेज राज्यर समस्त चाकरी आशायी मानक पुणी थे आसी एक निजुक्तिर सुजोग। निकट राज्य सरकार पक्षर अनेक पदपाई नोटिफिकेशन टी जारी कर पुणी आसी एक बड़ सुजोग। ओडिशा खणि निगम पक्षर किसी पदर निजुक्ति प्रकाश पाई विज्ञप्ति। इच्छुक प्रार्थी मैंने तुणे दि जा नोटिफिकेशन लिंक को जा सविशेष तथ्यटी पाइपारे। नवेम्बर मस 17 तारिखर एनलाइन आवेदन बा पेमेंट दाखल प्रक्रिया आरंभ हो डिसेम्बर 8 तारिख में समाप्त हो। चलित बर्ष अक्टोबर मसर 31 तारिख सुधा प्रार्थी सर्वनिम्न बयस 18 और सर्वाधिक बयस 38 वर्ष होता आवश्यकता रही।
प्रार्थीकर बयस कोहल नियम अनुजाई स्थिर करा। परवर्ती खबर, आरबीआई पक्षर नोटिस जारी, आक्सिस बैंक उपरे बड़ कार्यानुष्ठान, 60 लाख ग्राहक निहाती जानिबा आवश्यकता रहिछे। तबे प्राइवेट सेक्टर आक्सिस बैंक उपरे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पक्षर एक बड़ धरणर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछे। हेले केन्द्रीय बैंक पक्षर एक नोटिस जारी करा जाय ए कार्यानुष्ठान कारण विषय कहा जायछे। तबे परिस्थिति रे आक्सिस बैंक रो 60 लाख ग्राहक माने ध्यान देवा निहाती आवश्यकता रहिछे। आरबीआई मुताबक निज ग्राहकों केवाईसी संबंधित गाइडलाइंस 2016 पालन में लापरवाही कारण आक्सिस बैंक पर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। परवर्ती खबर, राज्य को मिलिबो आउ 350 ई बस, स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित होब साधारण परिवहन सेवा। तबे राज्य को आसिबो आउ 350 ई बस, कटक भुवनेश्वर एवं राउरकेलार ही बस टी सेवा जोगाई देव। साधारण परिवहन सेवा वृद्धि एवं परिवेश उपयोगी पदक्षेप स्वरूप ओडिशा को ही बस टी मिलिबो। पीएम ई बस योजना रे ही बस राज्य को मिलिबा को थिबा बेले प्राथमिक पर्यायर ओडिशा समेत देशर 7 राज्य को ए बस टी मिलिबा को जाउछे। बस पई मो बस परिचालना संस्था क्रूट पक्षर केन्द्र सहरांचल विकास मंत्रालय निकट डीपीआर पैठ कर सारी। राज्य सरकार पक्षर दि जा योजना को केन्द्र सरकार स्वीकृत देता बेले योजन खूब शीघ्र ओडिशा को बस मिलिबो बोली आशाटी रहिछे। परवर्ती खबर, बात्या प्रभाव में जगत सिंहपुर में प्रबल रुति प्रबल बर्षिब वर्षा, पाचिला धान को नहीं चिंतार चाषी। तेज जगत सिंहपुर कालीठार प्रबल वर्षा एवं आज प्रबल वर्षा होगा संभावना थी चिंतार पड़ते चाषी कूल। जिलार अधिकांश ब्लक धान पाचवा आरंभ कर धान क्षेत्र को देखने जपरी सुनर फसल लहड़ा भांगुची ताकि देखी चाषी जी खुशी होती वर्षा ना शुणी से डर लगुच। चाषीों कहवा कथा है चलित बर्ष धान फसल बहुत भल हो माँ लक्ष्मी जपरी धान भंडार को जपरी ओजाड़ी संपूर्ण धान पाकड़ नहले सुधा अधारू अधिक गला पिंता पिंता धान पवन में लहड़ी भांगुचे। जदि अदिनिया वर्षा हुए तेज धान फसल संपूर्ण उजुड़ी जीवी चाषी मैंने दुख प्रकाश कर। तेब एफसीआईर खोला बजार में बिकले भी गहम निअंट बड़का थाई ग्राहक शोषित 22.27 मिल भारत अटा। तेज देशर पर्याप्त परिमाण में गहम रही गहम संकट नहीं क्या भय कर आवश्यकता नहीं। नवंबर 22 तारीख पर 27.50 राज्य विभिन्न स्थान में नाफेड पक्षर भारत अटा बिक्री होती पूर्व खोला बजार में एफसीआई पक्षर 1.18 लाख मेट्रिक टन गहम बिक्री कर। जुलाई रु नवंबर मस मध्य 1.88 लाख मेट्रिक टन गहम जोगाण लक्ष्य रही। परवर्ती खबर, एनएमसी नुआ गाइडलाइन, रोगी भल व्यवहार कले एमबीबीएस छात्र छात्री को मिल मार्क। तेज एमबीबीएस छात्र छात्री मानों आसी एक बड़ खबर एणिकी भल व्यवहार पर छात्र छात्री मान मार्क प्रदान कर। रोगी सहित तो भल व्यवहार कले छात्र छात्री को मार्क मिल चारोटी जिनस उपरू मार्क प्रदान होने जितिय मेडिकल आयोग एनएमसी पक्षर गाइडलाइंस टी जारी कर। एनएमसी गाइडलाइंस मुताबक एमबीबीएस छात्र छात्री मैंने रोगी सह भल व्यवहार कले से मार्क दिजाव पाठपढ़ा समय छात्र छात्री मानू ट्रेनिंग दिजावी जनापड़े। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अवधि 5 वर्ष बढ़ला। तेरे दीपावली पूर्व देशर कोटि कोटि जनता हितपाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 5 वर्ष वृद्धि करिसंती बीजेपी सरकार। यह योजना कोविड महामारी समय आरंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में भारत एक सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र भाव में परिणत हो। केन्द्र में बीजेपी सरकार गत 2 थर शासन काल में अनेक जनमंगलकारी योजना मान प्रणयन कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्यतम। परवर्ती खबर, काली अष्टम पर्यायर कोयला खणि निलाम प्रक्रिया 5 राज्य में 29 खणि सामिल रही। तेज 15 तारीख में देशर अष्टम पर्यायर व्यावसायिक कोयला खणि निलाम ओडिशा समेत 5 राज्य 39 कोयला खणि रही। अन्य 4 राज्य हूँ बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंग। एथिरे ओडिशा को सर्वाधिक 19 खणिर निलाम करा जायछे।
କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଏହିସବୁ କୋଇଲା ଖଣିର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶର କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 39ଟି ଖଣି ନିଲାମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ନୂଆକରି 35ଟି ଖଣିର ନିଲାମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅମର୍ଦ୍ଧା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅମର୍ଦ୍ଧା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ତଥା ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅମର୍ଦ୍ଧା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିଲା 63 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାଲିଠାରୁ ଛାଡ଼ିବ ପାଣି। ତେବେ କେନାଲ ଜରିଆରେ ଜମିକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିକାପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଚାଷୀ ଜମି କମିଟି ତରଫରୁ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଅବରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାମେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 25 KV ବଦଳରେ ତୁରନ୍ତ 100 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଶାଇ ପମ୍ପ ଯୋଗେ କେନାଲ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 1000 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆଜିଠାରୁ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଲଗାମରେ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲେ ନିପାତ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷଟି ଜାରି ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀର IGP ବିଧି କୁମାରୀ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। କୁଲଗାମରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନଟି ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସ୍କୋରେ ତୟବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଫିଜ୍ ସୈଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ। କୁଲଗାମର ସାମୁନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ମିଳିତ ଅପରେସନଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ, ଆଜି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ବିପଦ। ତେବେ ଆଜି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ। ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅବପାତଟି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଜାରି ରହିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 27ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆର ମାଟି ସମତଳ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କେମିକାଲ ସିଞ୍ଚନ ଲାଇନ କାମ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଟକ ଇନ୍ କଟକକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ କାମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥିବା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିତିଲାଣି 120 ଘଣ୍ଟା, ପାଇପ୍ ସାହାରାରେ 40 ଶ୍ରମିକ, ଲାଗିପାରେ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଦିନ। ତେବେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା 40 ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାତିଦିନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ହେଭି ଓଭର ମେସିନ୍କୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଲଗାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ସିଂ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଣେତେଣେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଉ କେତେଦିନ ଲାଗିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଉ 2ରୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ, ସେତେବେଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।